हरे कृष्णा राधे राधे। खुशी हर रात चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए, कभी दूर न हो आपके चेहरे से हंसी। ये कार्तिक का पवित्र महीना आपके लिए ऐसी सौगात लेकर आए। कार्तिक के इस पावन महीने में किए गए स्नान दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। मन सच्चा और भाव पक्का हो तो फल मिलता ही मिलता है। आडंबर से किया कोई भी महान पुण्य बेकार ही जाता है, इसको याद रखना। आज आपको कार्तिक महीने स्नान की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना और इस कहानी में बताए मैसेज को समझना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक लड़की थी, बहुत भागवत भक्त। भगवान की पूजा पाठ सेवा जाप में उसकी बहुत आस्था थी। एकादशी, कार्तिक सब नियम से करती। बहुत अच्छा समय था। समय के साथ उसका विवाह किसी दूर गांव में हुआ। उसके ससुराल में सिर्फ उसके पति और सास थी। सब बहुत अच्छा था। वो लड़की बहु रूप में भी अपने सेवा पूजा पाठ नियम को बड़ी श्रद्धा के साथ निभाती, साथ ही एक अच्छी बहू के सब जिम्मेदारियां भी निभाती। घर गृहस्थी परिवार सब बढ़िया चल रहा था। अब कार्तिक का महीना आया। उसकी सास तो 12 को दूर गंगा जी पर कार्तिक नहाने के लिए जाती। अब नई बहू कैसे कहे कि मुझे भी ले चलो। बहू ने डरते हुए सास से कहा तो सास बोली, घर का काम कौन करेगा, पानी भर कर लाना है, खाना बनाना है, तेरा पति भी तो काम पे जाएगा। अब ये बात सुनकर बहू चुप हो गई। अब अगले दिन सुबह सास तो गंगा जी नहाने के लिए चली गई। बहू ने मिट्टी का एक बड़ा कुंडा बनवाया, उसने घर में ही उस कुंड में पानी डालकर नहाया और नहाने से पहले कहने लगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा मैया आप आओ मुझे स्नान कराओ। दिल में सच्चे मन से गंगा जी का ध्यान किया तो गंगा जी उसके लिए वही उसी कुंडे में आ गए। बहू ने उस कुंडे में गंगा जी में अपना कार्तिक स्नान पूरा किया। अब यही रोज का नियम हो गया। सास तो सुबह चली जाती, बहू घर में ही गंगा स्नान कर लेती। अब सब बढ़िया था। पर ना क्या होता, देखो भगवान भी समय समय पर अपनी लीला करके लोगों को संदेश देते रहते। बहू का सत और भक्ति देखकर गंगा माता ने भी लीला करने की सोची। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नाक की नत गंगा जी में बह गई। अब गंगा माता की कृपा से वो नत बहकर बहू के नहाने वाले कुंडे में आ गए। अब बहू ने देखा, एकदम ही नहाते हुए उसके हाथ में वो नत आई और जैसे उसने देखा तो पहचान गई और बोली, अरे ये तो मेरी सासू माँ की नत है। अब उसने उठा के वो नत संभाल के रख ली। अब जब सास नहाकर वापस आई तो बड़ी उदास थी। बहू ने पूछा, क्या हुआ सासू माँ? तो उसकी सासू माँ बोली, आज मेरी नत गंगा जी में स्नान करते हुए बह गई। अब बहू ने नत निकाल कर सास को दे दी। सास ने देखा, अरे ये तो मेरी नत है। सास ने पूछे, तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो गंगा जी में मेरी आंखों के सामने बह गई थी। हम जितनी औरतें थी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट ये तो अंदर ही चली गई। अब बहू ने कहा, सासू जी आप तो 12 कोस दूर कार्तिक नहाने जाती हो, मैं तो यही कुंडे में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती है जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज जब गंगा जी बहकर आई तो उसमें आपकी नत भी आ गई जिसे मैंने उठाकर रख लिया। अब सास अपनी बहू की इस बात से बहुत खुश हुई। सास को पता था मेरी बहू बहुत संस्कारी है, सच्ची भक्त है, उसका मन साफ है, तभी तो गंगा जी इसके लिए इस कुंड में भी आ जाती हैं, है ना। हे गंगा मैया, जैसे बहू पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा करना, कार्तिक स्नान करने वाले सभी का स्नान पूरा कराना। बोलो गंगा मैया की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर कार्तिक महीने की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।